नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। दोस्तों, आप सभी नींबू पानी तो पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो नींबू पानी बनाते हैं वो सही तरीके से बनाते हैं? आप नींबू का 100% यूज कर पाते हैं? क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा, लोग नींबू को काटते हैं, पानी में निचोड़ देते हैं और पी लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप नींबू का 100% यूज नहीं कर पाते, तो आपको 100% परिणाम भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। इसीलिए आज हम आप सभी को नींबू के सही प्रयोग के बारे में बता रहे हैं, सही तरीके से कैसे बनाएं नींबू का पानी जो आपके लिए टेस्टी भी हो और फायदेमंद भी हो। आप नींबू सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप नींबू को धो लीजिए। धोने के बाद एक कद्दूकस लीजिए। कद्दूकस पर नींबू के जो छिलका है, ऊपरी छिलका, बाह्यतम छिलका, उसको आप घिस लीजिए। ध्यान रहे कि अंदर वाले छिलके को छोड़ दें, एक परत होती है पतली सी वो छोड़ दें, क्योंकि वो तीखी होती है। केवल ऊपर ऊपर का जो छिलका होता है, ग्रीन वाला पार्ट, उसको आपको घिस लेना है। ग्रीन या येल्लो होता है अमूमन, उस पार्ट को आपको घिस लेना है। इसके बाद नींबू को काट करके या फिर जैसे भी आप उसका रस निकाल करके पानी में निचोड़ लीजिए, पानी में घोल लीजिए नींबू का रस। इसके बाद जो आपने कद्दूकस कर रखा है छिलके को, उसको उसमें डाल दीजिए एक गिलास पानी में, नॉर्मल पानी में। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि बाह्यतम छिलका जो होता है नींबू का, उसमें नींबू के रस से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है और विटामिन सी की मात्रा भी पाई जाती है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वेट लॉस करने में नींबू बहुत ही कारगर एक औषधि है, लेकिन अगर आप इसका 100% यूज करते हैं तो आप और जल्दी अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं दोस्तों। एक गिलास पानी में आपको ये करना होगा, आपको फ़ायदा देगा। एक बात और ध्यान रखें कि आप नींबू पानी पीते कैसे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। क्योंकि नींबू पानी अगर आप डायरेक्ट पीते हैं और अगर आपके वो दांत पे लगता है तो आपके लिए लॉस वाला ये हो सकता है। इसलिए जब भी नींबू पानी पिएं तो स्ट्रॉ के सहारे पिएं। अगर नहीं है मान लीजिए स्ट्रॉ, तो आपको क्या करना चाहिए कि नींबू पानी पीने के बाद तुरंत सादे पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए, नहीं तो दांत कमज़ोर होते हैं इससे। ये था आज का हमारा व्यू दोस्तों आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।